इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में होने वाले छात्र संघ चुनाव को लेकर प्रत्याशियों ने अभी से कमर कस ली है। छात्र संघ चुनाव में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महामंत्री और संयुक्त सचिव पद के लिए प्रत्याशियों ने नामांकन फॉर्म ले लिया है। इस दौरान प्रत्याशियों ने यूनिवर्सिटी में लिंग दो कमेटी की सिफारिशों की भी धज्जियां उड़ाई और भारी भीड़ के साथ जुलूस निकालते हुए नामांकन फॉर्म हासिल किया है। मैं छात्राओं के हित में सबसे पहले मैं इसीलिए लड़ी हूँ। मैं 3 साल से यहाँ बीम्यूज़ कर रही हूँ। 3 साल से मैंने यूनिवर्सिटी में पढ़ा। मैंने पहले सोचा था कि मैं फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर में यहाँ पे चुनाव लड़ूंगी, मगर फिर मेरे माइंड में आया कि मैं पहले देख लेती हूँ कि यहाँ का माहौल कैसा है, यहाँ पे लड़कियों को चुनाव लड़ने के बाद उनको क्या मतलब कैसा उनको वो सुनने को मिलेगा। मैं इसके लिए फिर उसके बाद मैंने 3 साल देखा, उसके बाद मैं लड़ रही हूँ। और मैं जब मैंने देखा यहाँ पे सारी चीज़ें कि लड़कियाँ कैसे असुरक्षित हैं, यूनियन पे हम यूनियन पे खड़े हैं, यहाँ पे लड़कियाँ नहीं आ सकती हैं क्योंकि लड़कों का झुंड खड़ा है, लड़के डिस्टर्ब करते हैं उनको कमेंट्स करते हैं, उसके खिलाफ हम लड़ने जा रहे हैं और हम छात्राओं के हित के खिलाफ लड़ेंगे। वहीं चुनाव अधिकारी का कहना है कि कई प्रत्याशियों के खिलाफ FIR दर्ज हो गई है और प्रशासन छात्रों के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रहा है। आज से इलाहाबाद विश्वविद्यालय छात्र संघ के चुनावी प्रक्रिया कार्यक्रम के अनुसार प्रारंभ हो गई है और आज और कल 2 दिन फार्मों की बिक्री होगी और उसके बाद नामांकन के दिन लड़के अपने फॉर्म जमा करेंगे 26 तारीख को। 5 तारीख को इलाहाबाद विश्वविद्यालय का चुनाव संपन्न होगा, रात में उसके चुनाव की घोषणा हो जाएगी विजयी प्रत्याशियों की और 6 तारीख को सुबह 11 बजे ओथ सेरेमनी होगी, उसके बाद छात्र चयनित हो जाएंगे। नहीं, इसके लिए प्रयास हमारे जारी हैं। हमने 18 लोगों को अब तक नोटिस जारी कर दिया है और पुलिस प्रशासन ने कई लोगों के खिलाफ FIR दर्ज कर दिया है। जुलूस अवैध हैं, अगर निकलते हैं शहर में तो उस पर जिला प्रशासन कार्रवाई कर रहा है सख्ती से। कई लोगों पर हो चुकी है कार्रवाई, पोस्टर सबके कैंपस से जितने थे वो हटा दिए गए हैं और शहर में जिला प्रशासन उसको हटवाने की उचित व्यवस्था कर रहा है। अब तक छात्रों या अन्य लोग जो जुड़े हैं उनकी कम से कम 50-60 गाड़ियां जो हैं वो जब्त कर ली हैं जिला प्रशासन ने। आपको बता दें कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में छात्र संघ चुनाव के लिए 5 अक्टूबर को वोटिंग होगी और 5 अक्टूबर की ही रात में रिजल्ट भी घोषित किया जाएगा। इलाहाबाद से सईद रजा की रिपोर्ट, पंजाब केसरी TV।